हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रेड यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, एंड ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का स्कैन किया हुआ कॉपी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। बट आपके पास स्कैनर नहीं होने के दौरान आपको साइबर कैफे पर जाना पड़ता है, एंड साइबर कैफे पर जाने के बाद साइबर कैफे पर कोई भी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 100 रुपीज मिनिमम सर्विस चार्ज देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ऑनलाइन पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक वॉच करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप का डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले वाला डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स स्कैन करूंगा, एंड सेकंड में मैं आपको कलरिंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके बताऊंगा, ताकि आप आसानी से दोनों डॉक्यूमेंट्स में फर्क समझ सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप ऊपर सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स स्कैनर। इसके बाद आप सबसे पहले वाला जो एप्लीकेशन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप इस एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैनर मेड इन इंडिया। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे मोबाइल पर पहले से डाउनलोड किया है, इसलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप ऊपर फ्लैश पर क्लिक करके फ्लैश को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, या तो आप ऑटो पर सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्लैश को ऑन कर लेते हैं, एंड इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके मोबाइल को पकड़ना है, एंड यहाँ से एक पिक्चर क्लिक करना है। तो पिक्चर क्लिक करने के बाद आप यहां से इम्पोर्टेंट पार्ट को क्रॉप के अंदर रखेंगे, एंड बाकी पार्ट्स को क्रॉप कर देंगे। तो चलिए हम यहां पर इसको क्रॉप कर लेते हैं। इसको क्रॉप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड पर एक प्रीव्यू देख सकते हैं। देखने के बाद आप यहाँ से इसको बैक करेंगे, राइट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो इसके बाद अपने मोबाइल पर आपको इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। तो इसके लिए आप ऊपर सेव का एक ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट्स को जिस टाइप पर सेव करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर PDF को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड JPG फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको PDF ही रहने देते हैं। तो आप अपना फाइल का साइज देख सकते हैं कि 370 KB का आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज है। तो आप चाहें तो इसको और भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसको कंप्रेस करने के लिए आप नीचे एक कंप्रेस नाउ का ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप मीडियम पर रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज है 219 KB। तो आप और भी ज़्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो एकदम कंप्रेस करने के बाद आप इसका साइज देख सकते हैं, 151 KB का है। तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पर नीचे सेव का एक ऑप्शन देख सकते हैं, तब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो माई डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करना है, एंड अलाउ कर देना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, तो इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप बैक आएंगे। इसके बाद मैं आपको एक कलर डॉक्यूमेंट स्कैन करके बताऊंगा। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है, एंड कैमरा पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लैश लाइट को ऑफ कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लैश लाइट को ऑफ कर लिया। तो इसके बाद मैं यहाँ से एक पिक्चर क्लिक कर लूंगा। तो पिक्चर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमें क्रॉप नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसके बाद यहाँ से बैक कर लेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो आप इस फाइल को किस फॉर्मेट पर सेव करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमने पहले वाला PDF फाइल पर सिलेक्ट किया था, तो इस बार हम JPG फाइल पर इसको सेव करेंगे। तो हम यहाँ से JPG फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड आप इसका साइज देख सकते हैं कि 331 KB का है। तो हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ से इसको कॉम्प्रेस कर लेंगे। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो चलिए, इसके बाद हम फाइल मैनेजर पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर सेव हुआ है या नहीं। फाइल मैनेजर पर जाके आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पहले वाला जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर सेव हो चुका है, ये देखिए। एंड यहाँ से हम बैक करेंगे एंड सेकेंड वाला हमारा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सेव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आप किसी भी फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत ही आसानी से इसको ऑनलाइन पर अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर।